तुगलकाबाद दिल्ली में प्राचीन गुरु रविदास मंदिर तोड़े जाने के विरोध में आज दिल्ली बंद का आह्वान बहुजन संगठनों द्वारा किया गया था, जहां पर आज पुलिस कर्मियों की भिड़ंत हुई प्रदर्शनकारियों से और लाठी भी चार्ज हुई और लाठी चार्ज के बाद प्रदर्शनकारियों को एक पुलिस वैन में एक बस में भर के ले जाया गया। उन्हें गिरफ्तार भी किया गया, जिनमें नवाब सतपाल तंवर, राहुल भारती और भी बहुत सारे प्रदर्शनकारी थे, जिनको आज गिरफ्तार करके ले जाया गया है। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और आज दिल्ली बंद का आह्वान किया गया था तमाम बहुजन संगठनों द्वारा, और दिल्ली के बहुत सारे इलाकों में आज असर भी देखने को मिला इस बंद का। लेकिन ये तुगलकाबाद एरिया का ही ये वाक्या है कि जहां पर पुलिस कर्मियों ने लाठीचार्ज की है प्रदर्शनकारियों के ऊपर, और बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि 6-7 प्रदर्शनकारी हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं, और उन घायल कर्म प्रदर्शनकारियों को भी अरेस्ट कर लिया गया है। और इसी के साथ हम आपको बता दें कि 21 तारीख को जंतर मंतर पर बहुजन समाज द्वारा प्रदर्शन किया जाना है, तो उस प्रदर्शन में सरकार की क्या रणनीति रहेगी, ये बड़े संदेह के घेरे में आज की बात, आज के इस प्रदर्शन को, इस लाठीचार्ज को देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सरकार ने कड़ा रुख इख्तियार कर लिया है बहुजन संगठनों के खिलाफ, जो बहुजन संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं तुगलकाबाद में प्राचीन गुरु रविदास मंदिर तोड़े जाने के विरोध में। सभी साथियों से निवेदन है कि जिन्होंने हमारा YouTube चैनल बेगमपुरा टीम नेटवर्क सब सब्सक्राइब कर लिया है, उन साथियों का धन्यवाद, और जो साथी नए आए हैं वो हमारे YouTube चैनल को सब सब्सक्राइब कर लें ताकि बहुजन समाज की तमाम खबरें आप तक पहुँचती रहें। बेहोशी की हालत में गिरफ्तार किया इन लोगों ने, और ये लोग हमें गिरफ्तार करके सोचते हैं कि हमें कमजोर कर लेंगे। इन लोगों को औकात दिखाएंगे, औकात ये हमारे मंदिर को तोड़ के, हमारे मंदिर पर कब्जा करके, हमारे गुरु रविदास पे नेतागिरी करेंगे, इन सालों की नेतागिरी इनके अंदर को निकाल देंगे। अगर हमारे गुरु रविदास के मंदिर को इन्होंने मान नहीं दिया ना, इन लोगों को बता देंगे भाइयों, लोगों को जब सारा नौजवान निकल चुका है सड़कों को मरने और मारने के लिए, अब हार होगा या पार होगा, या इंतजार करते हो कि वो लोग हमारे घर जलाए, वो हमारी बहनों को जलाए, वो लोग हमारे भाइयों को मारे, इंतजार करोगे? राज्य के नाम पे ही हार और पार होगा, और हार पार की लड़ाई जब तक लड़ी जाती रहेगी, जब तक एक एक सांस शरीर के अंदर होगा, खून के एक एक कतरे अपनी लड़ाई को लड़ते रहेंगे। सभी लोग अपनी अपनी जगह विरोध प्रदर्शन करें, शांति प्रिय तरीके से करें।